इसी से व्लॉगिंग होती है भाई हमारी। पहले तो बहुत सारी नॉइस आती थी एंड अभी नहीं पता कैसी ऑडियो क्वालिटी आएगी। सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो ये व्लॉग नहीं है, एक वीडियो, सिंपल वीडियो जिसमें हम बात करेंगे अपने बोया बी वाई M1 के बारे में, जिसको हमने परचेस कर लिया है। और आप ये तो सोच रहे हो कि यार इसकी वीडियो आती नहीं है, परचेस क्या करी जा रहा है। तो वीडियो के लिए हमने परचेस किया अपना बोया का माइक, जो थोड़ा महंगा आता है, पर थोड़े महंगे से थोड़े नीचे में हमने इसको परचेस कर लिया है। मीन्स कि सस्ते में हमको मिल गया और हमने परचेस कर लिया, खरीद लिया। और सबसे पहले आपने करना क्या है, जो नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा है ना, उसको सब्सक्राइब कर लो यार। उसको रेड में है तो उसको आप कर दो ग्रे में, और बेल का आइकन क्लिक कर देना ताकि नोटिफिकेशन वीडियो भी आपको मिल जाए। और अभी हम अपना सेटअप कंप्लीट करते हैं व्लॉगिंग का, कि हमने व्लॉगिंग करनी है तो किस तरीके से करनी है, और जो ऑडियो क्वालिटी है उसको कैसे हमने इम्प्रूव करना है। और आप ये तो सोच रहे हो कि यार हम व्लॉग नहीं ला रहे, तो सम प्रॉब्लम्स है जो कि मैं शेयर नहीं कर सकता। व्लॉग ट्राई करेंगे कोई अच्छी सी सीरीज़ लेके आएँ, एंड अभी व्लॉग तो शायद चलते रहे, एंड सीरीज़ आएगी तो काफ़ी अच्छी सीरीज़ आएगी। और उसके लिए थोड़ा टूर वगैरह पर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ी सेटिंग्स वगैरह करनी पड़ती हैं कुछ टाइम पहले, तो भी टाइम लगेगा सीरीज़ वगैरह आने में। और इस वीडियो में बात करेंगे बोया बी वाई M1 माइक। तो ये हमारा बोया बी वाई M1 है, जो कि मैंने यूज़बल लिया है, मीन्स कि ये आगे पहले यूज़ हो चुका है, थोड़े लो प्राइस में मिल गया तो हमने ये ले लिया, और एक और सेटअप कंप्लीट हो गया। तो अभी हमने इस वीडियो में जो हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं इस वीडियो में, वो हम इस वीडियो में करेंगे कि अपना ब्लॉग का जो सेटअप है उससे थोड़ा सा अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। मीन्स कि उसकी ऑडियो क्वालिटी ऐसी होती है, कहीं बाहर ब्लॉग करो, हवा वगैरह की जो नॉइस वगैरह होती है, बाहर की इधर उधर की नॉइस, सब कुछ कैप्चर हो जाता है एक वीडियो में। तो अभी इस वीडियो में हम अपने ये जो गोरिल्ला पॉड है, ये भी सस्ता सा ही है बस फ़ोन को माउंट करने के लिए, तो इसके ऊपर हम अपना बोया का माइक जो है वहाँ पर पुट करेंगे। तो पुट करने के लिए सिंपली फैब्रिक वो हम लगाएंगे, फैब्रिक इसलिए नहीं लगाएंगे कि हमको पता नहीं कब हमारे पास DSLR आ जाए। इतना बजट तो नहीं है YouTube का कि हमारे पास DSLR अभी आ जाए, बट कभी तो आएगा तो हमको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ से पुट आउट करके अपने DSLR में। तो अगर मैं बोया का माइक यहाँ पे पुट कर देता हूँ फैब्रिक क्विक से, तो वो तो अगर हम पुट आउट करेंगे तो वो भाई पूरा माउंट ख़राब हो जाएगा। एंड इसलिए मैंने अपना जुगाड़ लगाया है, अपना माइंड जो हमारे दिमाग में पूरा फाती आइडिया आया, तो वो ये है, ये किसी चीज़ का कैप है। वैसे तो आपको ये माउंट मिलेगा अमेजोन पे, काफ़ी महंगा मिलेगा, बट आई डोंट नो महंगा मिलेगा। तो मैंने सोचा कि यार कुछ आइडिया करते हैं किसके ऊपर हम माउंट ही लगा देते हैं, माउंट बन गया सिंपल से मैंने सोचा और बन गया। बाकी अपना बोया यहाँ पर लगा के देख लिया, परफेक्ट बैठ गया, फिट हो गया अच्छे तरीके से, बस काम चल गया अपना। तो हमने इसको यहाँ पर फिट करना है, फिर इसके ऊपर आएगा हमारा बोया बी वाई M1 का माइक, बोया बी वाई M1 सिंपली माइक आएगा यहाँ पे। और अभी हम इन सबको ज्वाइंट करके देखते हैं कैसा बनता है, सबसे पहले बोया का माइक देखते हैं कैसा है। तो ये हमारा बोया का बी वाई का माइक है जो भी है, तो इसको हम ओपन करते हैं पहले। सो ये हमारा माइक है, और इसके अंदर जो हमारा सबसे पहले ये वो माउंट है जो लोग परमानेंटली माउंट कर देते हैं, तो हम ये नहीं करेंगे, होगा यहाँ पे हमारा माइक आएगा। और इसके अंदर आपको एक वायर मिलती है, एक नहीं दो वायर मिलती हैं, एक होती है TRS-to-TRS केबल, वो होती है DSLR के लिए, DSLR में आपको यूज़ कर सकते हैं, और ये है फ़ोन के लिए। तो इसमें लिखा होता है यहाँ पे, ये जो है ये माइक में जाएगा एंड ये आपके फ़ोन में, और इसके अंदर मेन जो है हमारा ये बोया का माइक। सो ये हमारा बोया का माइक है, मेटल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसकी भी, ऑडियो क्वालिटी नहीं पता कैसी है, वो टेस्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर। और आपको मिल जाता है एक डेड कैट, बिल्ली की तरह है डेड कैट। तो सिंपली इसका ये वर्क है कि अगर आप बाहर वीडियो वगैरह शूट करते हो तो हवा वगैरह चलती है, तो वो उन सबको अपने अंदर आने देता है, मीन्स कि ये रिकॉर्ड नहीं होने देता है, कुछ नॉइस वगैरह नहीं आ सकती, तो इसके लिए ये यूज़ होता है, वो यहाँ पर आ जाएगा। और हमारा जो ये माउंट है ये पुट हो गया, शेज के आ जाएगा ये वायर, और ये बाकी आपके फ़ोन में। अभी हम करते हैं इसको पुट। सो अभी हमने यहाँ पे डबल टेप लगा दिया है, तो इसको हम रिमूव करते हैं थोड़ा, जो भी हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो सिंपली ये फिट हो गया यहाँ पे। थोड़ा सा प्रेस करते हैं, परफेक्ट है। अब इसके ऊपर पुट करते हैं बोया बी वाई M1।
भाई MM1 के बड़े नाम आ रहे हैं, सिंपली माइक नहीं बोला जा रहा है। एंड इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइट कर देते हैं और अभी ये परफेक्ट है। अभी हम इसके अंदर फ़ोन पुट करते हैं, जो मेरा फ़ोन है वो मैं यूज़ करता हूँ अपना वीवो का Y83। एंड इसको यहाँ पे हम लगा देते हैं, इसी से व्लॉगिंग होती है भाई हमारी। पहले तो बहुत सारी नॉइस आती थी एंड अभी नहीं पता कैसी ऑडियो क्वालिटी आएगी। आई होप कि अच्छी ऑडियो क्वालिटी। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने राउंड कर दिया, वायर थोड़ी बड़ी है और अभी परफेक्ट है। तो ये हमारा भाई व्लॉगिंग सेटअप। तो बेसिक सी चीज़ें यार, हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो गया। बोया का माइक हो गया और ये ट्राइपॉड हो गया, फ़ोन भी हो गया फ़ोन, बट इसकी जो क्लैरिटी है कैमरे की वो थोड़ी बेटर नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको एप्पल में कन्वर्ट कर लें, कोई एप्पल का फ़ोन मिल जाए और ये भी यूज़ होगा। एप्पल का जो होगा वो वीडियोस वगैरह के लिए होगा, हमारे ब्लॉग के लिए। तो ये सिंपल सा जो सेटअप होता है, जब तक आपका यूट्यूब पे चैनल नहीं चलता है, इतना ग्रो नहीं होता है, तब तक के लिए ये परफेक्ट है। और जब चल जाता है फिर भाई आपको पता ही है DSLR वगैरह फिर अपने अंडर होता है। एंड अभी इसको हम टेस्ट करते हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सिर्फ फ़ोन का माइक है, तो इसकी क्लैरिटी देख लो कैसी है, इसमें डिफरेंस पता लगेगा। अभी मैं पुट करूँगा बोया का माइक, नॉइस वगैरह तो बहुत आ रही होगी। अभी पुट करता हूँ जो बोया का माइक है वो। तो भाई साहब अभी यूज़ हो रहा है बोया का माइक, काफ़ी अच्छी क्वालिटी आ रही होगी, आई डोंट नो, बट बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है। जो पहले नॉइस वगैरह आ रही थी ना, अब वो नॉइस नहीं आ रही होगी और इम्प्रूव भी थोड़ा सा इम्प्रूव होगा ऑडियो क्वालिटी। और अभी मैं अपने छत पे बैठा हूँ, हवा तो चल रही है, बट इसमें आपको नहीं पता चलेगा कि हवा चल रही है, इसमें कोई नॉइस नहीं आएगी। तो यही है भाई बोया BY MM1। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के।